नमस्ते, खेड़ेकर्स होममेड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं पंजाबी डिश सरसों का साग। सरसों का साग बनाने के लिए हमने अलग अलग साग पहले से ही बारीक काट कर रख लिया है। इसके लिए जो हमें साग चाहिए वो है 250 ग्राम सरसों का साग, 150 ग्राम पालक, 50 ग्राम बथुआ, 50 ग्राम मेथी और 50 ग्राम चने की साग। इन सभी साग को हमने धोकर बारीक काट लिया है। इन सभी सब्जियों को हम कुकर में अच्छे से पकाएंगे। पकाने के बाद हम इन्हें अलग मिक्सी में नहीं पीसेंगे, इन्हें हाथ से ही मैश करेंगे। इससे सारी सब्जियों का टेस्ट भी अच्छा रहेगा और हमारी साग भी बहुत अच्छी बनेगी। इसलिए हमने इन सारी सब्जियों को पहले से ही बारीक काट लिया है ताकि ये कुकर में अच्छे से पक सके। आप चने की अगर ताज़ी सब्ज़ी ना हो तो इसकी जगह सूखे हुए चने की सब्ज़ी भी ले सकते हैं। जनरली चने की सब्ज़ी ठंड के सीज़न में ही मिलती है। कई घरों में इसे सुखा के रख लिया जाता है ताकि 12 महीने इसे खाया जा सके। इन सब्ज़ियों के अलावा हमें चाहिए 3 मीडियम साइज़ बारीक कटे हुए प्याज, 2 बारीक कटे हुए टमाटर, 15 से 20 लहसुन की कलियाँ और इसके अलावा हमें 5 से 7 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई चाहिए जिन्हें हम छोंक लगाने में यूज़ करेंगे। इसके अलावा 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 हरी मिर्च, 3 चम्मच मक्के का आटा जो कि लगभग आधी कटोरी के बराबर है, 1 चुटकी हींग, 4 चम्मच तेल। आप तेल की जगह मक्खन या घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर तेल यूज़ कर रही हूँ। और इसके अलावा हमें लगेगा नमक। साग बनाने के लिए हमें सबसे पहले लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हमने पेस्ट बना लिया है। इसके बाद हम एक कुकर लेंगे। इस कुकर में हम सारे साग डालेंगे। सारे साग डालने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। नमक डालेंगे। और 1 गिलास पानी डालेंगे। अब इस कुकर को हम गैस पर तेज आंच पर रखेंगे। कुकर को हमने तेज आंच पर रख दिया है। अब हम इसे जब तक पानी में उबाल नहीं आता है तब तक हम इस कुकर का ढक्कन नहीं लगाएंगे। जब इसमें पानी में अच्छे से उबाल आ जाएगा तब हम इसका गैस कम करके इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे 1 से 1.5 घंटे तक मध्यम आंच पर पकने देंगे ताकि सारी सब्जियां अच्छे से पक जाए और उनका टेस्ट भी अच्छे से आए। पानी में उबाल आने के लिए हमने गैस को तेज आंच पर ही रखा है।
ये देखिए पानी अच्छे से उबल चुका है। अब हम गैस को मध्यम कर देंगे और इसका ढक्कन लगा देंगे। इसके बाद हम कुकर को 1 से 1.5 घंटे तक मध्यम आंच पर होने देंगे। इससे हमारी साग अच्छे से पक जाएगी। 1 घंटे तक हमने कुकर में साग को अच्छे से पका लिया है। अब हम कुकर को बंद कर देंगे। कुकर के ठंडा होने पर हम साग को चेक करेंगे, साग पका है कि नहीं। कुकर अब हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम चेक कर लेंगे कि हमारा साग पका है कि नहीं। हमारा साग अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें मक्के का आटा डालकर उसे अच्छे से सारी सब्जियों को मैश करेंगे। मक्के का आटा थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम इसे अच्छे से मैश करेंगे ताकि मक्के के आटे की गुठलियाँ भी ना बने और वो पूरी सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाए। सब्जियों को मैश करने के लिए आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर रवी का यूज़ किया है। ये देखिए पूरे मक्के के आटे को हमने सब्जियों में डाल दिया है और हम इसे अच्छे से मैश कर रहे हैं। सब्जियाँ अच्छे से मैश हो चुकी है और मक्के का आटा भी अच्छे से उसमें मिल चुका है। अब हम इसे बघार लगाएंगे। साग को बघार लगाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई गरम करेंगे। जब कढ़ाई हमारी अच्छे से गरम हो जाए तो हम इसमें तेल, घी या मक्खन, जो भी आप ठीक समझे, वो डाल सकते हैं। तेल के अच्छे से गरम होने पर हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। और इसे अच्छे से पकने देंगे। जब लहसुन हमारा थोड़ा लाल हो जाएगा तब हम इसमें हींग डालेंगे। ये देखिए लहसुन हमारा पकने लग चुका है। अब हम इसमें हींग डालेंगे। हींग के बाद अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हमें हल्का लाल होने तक पकाना है। प्याज हमारा हल्का लाल हो चुका है। अब हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर डालकर हमें इसे अच्छे से पकने देना है। जब टमाटर हमारे अच्छे से पक जाएंगे तब हम इसमें सरसों की साग डालेंगे। टमाटर हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें साग डालेंगे।
साग को हम 5 से 7 मिनट तक इस मिश्रण में अच्छे से पकने देंगे। साग को हमें बीच बीच में हिलाते भी जाना है ताकि वह नीचे चिपके नहीं। सरसों के साग को तकरीबन हमने 5 मिनट तक पका लिया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा सरसों का साग बिल्कुल तैयार है। आप हमारे बताए तरीके से सरसों का साग बनाकर ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।